ईदर डायरेक्ट हवालदार या चंद माही की ही कोई ओपनिंग एक बहुत मशहूर चीज़ होती थी जी, फिल्म का जिसको हिंदुस्तान में मुहूर्त कहते हैं ना, जब तो वो जो ओपनिंग थी उस पर मैं मौजूद था, छोटा सा था मैं, और मेरी वो तस्वीर इस पौधे के पीछे छुपी हुई है। मैं अभी इसका शॉट लेके आपको दिखाता हूँ। तो मैडम नूरजहां की गोद में मैं बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशी इन द किचन की तरफ से एक दफा फिर रमजान मुबारक। आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड। वी आर पार्टनरिंग विद कोका-कोला एंड रिस्क फाउंडेशन फॉर द स्पेशल रमजान एपिसोड्स ऑफ खुशी इन द किचन। तो शुरू करते हैं जनाब आज की एपिसोड, और हम बनाएंगे आपकी इफ्तार के लिए एक बहुत मजेदार सी, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल सी एक डिश, जिसको हम कहेंगे सरमत खुशी स्टाइल बरीटो बोल। और जिस फिल्म की मैं बात करूंगा वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसको मेरे अब्बा ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म का नाम है डायरेक्ट हवालदार। सो आज की एपिसोड में बरीटो बोल एंड डायरेक्ट हवालदार। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बरीटो बोल के लिए आपको क्या क्या इंग्रीडियंट्स दरकार होंगे। जनाब बरीटो बोल जो है वो टर्म बजाते खुद उसमें एक थोड़ा सा तजाद है, खुला तजाद, क्योंकि बरीटो जो है वो आम तौर पे एक टॉर्टिया जो कि रोटी की शक्ल का या पतली सी पीटा समझ लीजिए उसमें रैप होता है। और जब मैं पढ़ रहा था तो इट वॉज़ वेरी फनी कि इसका जो मतलब है स्पेनिश में वो है लिटिल डोंकी, और वो कहीं उसकी जो भी एटिमोलॉजी या उसकी जो बैकग्राउंड कह लीजिए लफ्ज़ की, वो ये है कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी जाती हैं एक रोल के अंदर, लाइक अ शवारमा, आई मीन दैट्स द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक ऑफ। तो वो कहीं पुराने ज़माने में जब अच्छा सलूक नहीं किया जाता था और हम जानवरों के साथ कुछ बहुत बुरा सलूक कर लेते थे, उन पे सामान ज़्यादा लादा जाता था, तो सम हाउ देयर इज़ अ स्ट्रेंज कनेक्शन, क्योंकि बुरो अपेरेंटली इन स्पैनिश इज़ डोंकी। सो इन एनी केस जी, हम इस बरीटो बोल के अंदर बरीटो के तमाम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करेंगे, बट एक हल्का सा सेमी हेल्थी ट्विस्ट इसको ये देंगे कि इसमें वो रैप नहीं होगा, ये एक ओपन बोल होगा जो कि इफ्तार में बहुत एक्साइटिंग लगेगा देखने में। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको चाहिए सावर क्रीम। नाउ सावर क्रीम जो है खट्टी मलाई आप उसको कह सकते हैं, हमारे यहाँ वो पैकेज्ड फॉर्म में बहुत कम मिलती है, तो उसका एक हैक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सावर क्रीम की तरह नहीं होगी लेकिन उसके करीब करीब आ जाएगी। सो ऑल वी नीड इज़ मिल्क, सम क्रीम जो कि रेगुलर आप बालाई समझ लीजिए जो डब्बे में मिलती है, और आपको चाहिए नींबू या सिरका। सो इसको सबसे पहले साइड पे करेंगे। आइडियली इसको आपको देना पड़ता है तकरीबन आप समझ लीजिए 24 घंटे का टाइम टू सेट एंड सॉर्ट ऑफ यू नो फर्मेंट अ लिटिल बिट। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑलराइट जी, व्हाइल द क्रीम गेट्स सावर वी गेट स्टार्टेड विद आवर चिकन। सबसे पहले जनाब एक अदद हम निचोड़ेंगे इसके ऊपर नींबू, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बीच में नमक जाएगा। आई एम गोइंग टू पुट अबाउट अ वेरी लेवल्ड हाफ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसमें जाएगा जनाब हाफ अ टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल सो दैट एवरीथिंग गेट्स मिक्सड अप नाइसली। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। नाउ आई हैव दीज टू बॉयज, प्याज और ग्रीन बेल पेपर या कैप्सिकम या शिमला मिर्च जो भी आप इसको कहते हैं, यू नीड टू स्लाइस इट लाइक दिस जी, बस इतने इतने साइज के स्लाइसेस इसके, और जो हमारा
पुराना अजीम गंडा है जो प्याज है उसके भी आपने बस इस तरह के थिन थिन स्लाइसेस कर लेने हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ वेरी लिटिल ऑयल ताकि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली डिश ना बने। शिमला मिर्च एंड आई एम गोइंग टू पुट माय प्याज। इसका पकने का प्रोसेस थोड़ा सा मज़ीद स्पीड अप हो जाए तो उसके लिए मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगा। ये सब सामान जाएगा जी अब हमारे जो है वो ब्लिट्स के अंदर। अब एक और अलमिया ये है कि बेशतर स्पेनिश कुकिंग जो होती है या जो मैक्सिकन कुकिंग है उसके अंदर एवोकाडो बहुत इस्तेमाल होता है। अब एवोकाडो का हमारे लिए अलमिया सबसे बड़ा ये है कि वो बहुत महंगा है। एवोकाडो एक दिन मैंने ख़रीदने की कोशिश की जब तो वो कोई 1,000 रुपये के दो आ रहे थे। सो अगर एवोकाडो नहीं है सो आई एम थिंकिंग दैट आई विल फाइंड अ वे टू रिप्लेस इट विद खीरा। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम टेस्ट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी एज क्रीमी, बट इफ देयर इज एन एवोकाडो श्योर। बट सिंस हम अपने काम के खुद ही बादशाह हैं यहाँ पे और हम अपनी डिश के साथ जो भी चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सो आई एम गोइंग टू यूज अ क्यूकम्बर इंस्टेड ऑफ एन एवोकाडो। ये धनिया जाएगा जी सबसे पहले, हरिया मिर्चा हमारा देसी टच, इसकी भी आपने ऊपर से ये जो डंडी है वो उतार लेनी है। जस्ट रफली चॉप दीज ऑल्सो। तो खीरे का जनाब आपने छिलका उतार लेना है और उसके बाद खीरा भी बस आपने मोटा मोटा करके यू विल जस्ट लेट इट गो इन टू द ब्लिट्स। इससे पहले कि मैं बाकी चीज़ों की तरफ आऊँ मैं खबर लेना चाहता हूँ इधर, और ये तकरीबन हुआ चाहता है। एक्चुअली आई एम गुड, मैं बस इसका चूल्हा करने लगा हूँ बंद, और इसको अगर आप ढक के थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे तो जो उसके अंदर की अपनी स्टीम है उसमें वो थोड़ा थोड़ा और पकता रहेगा। और अब जाएगा जनाब इसके अंदर आई नीड टू एड सम दही टू इट, थोड़ी सी जाएगी जी ऊपर से काली मिर्च, और इसको अब हम करेंगे गर गर गर। सो लेट्स सी हाउ द गर गर गोज। इट डेफिनेटली नीडेड द एवोकाडो फॉर द क्रीमीनेस क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, बट इन एनी केस हम अपना वर्जन बना रहे हैं जी। हम जब सॉस को यूज करेंगे इन द एंड सो इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक से a bit of a runny-ish raita. अब बारी आती है जी जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको पकाने की। आप एक अदद फ्राइंग पैन लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रीस करेंगे पैन को और उसके ऊपर डालेंगे हम ये चिकन और इसको फैला देंगे, और ऑन ईच साइड या जनरली जो भी उसकी साइड्स बनती हैं आप उसमें देख लीजिएगा कि यू नीड टू स्पेंड अबाउट 4 मिनट्स ऑन ईच साइड। सो एक दफ़ा 4 मिनट और फिर पलटा के 4 मिनट एंड दैट्स इट। आई एम गोइंग टू ब्रश इट ऑल अराउंड द पैन। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी अपने चिकन को, इसको आपने फैला देना है पूरे पैन के अंदर। जस्ट मेक श्योर कि हर बोटी को पैन की बेस का एक्सपोजर मिले। हाँ जी, सो एक साइड के ऊपर तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड बदल देंगे हर चिकन के पीस की। सो लेट्स सी व्हाट्स अ गुड वे टू डू दैट। आई थिंक ये टोंग से अच्छा हो जाएगा क्योंकि चम्मच से शायद वो तंगी हो। सो लेट्स जस्ट टर्न द चिकन। सारा चिकन जो है अब मैं पलटा चुका हूं और इस साइड पे भी आपने चिकन को तकरीबन 3.5 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। अगर आपको फिर भी थोड़ा कभी कभी वहम होता है मेरी तरह कि वो कोई कच्चा ना रह गया हो सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट से अबाउट अनदर 30-40 seconds विद लिड ऑन ताकि वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए। बरीटो बोल आई फील इज अ वेरी होलसम मील। आपको जब मैं ये फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी दिखाऊंगा तो इसमें आपको ग्रीन्स और फाइबर वो भी मिलेगा, आपको इसमें प्रोटीन मिलेगी दो सोर्सेज से, एक प्लांट सोर्स से, एक आपको मीट की सोर्स से मिलेगी, आपको कार्ब्स मिलेंगे अच्छे, इसमें ब्राउन राइस भी शामिल होंगे। सो आई फील कि कभी अगर आपका दिल चाह रहा हो कि ओ बहुत ज़्यादा 6-7 चीज़ें नहीं बनाएं आप इफ्तार के लिए और कोई एक ऐसी अमेजिंग लुकिंग चीज़ बना लें जिसमें आपको सब न्यूट्रिशन मज़े जायके सब कुछ मिल जाए, तो उसके लिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस।
और चावल अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आप फिर इसको टोर्टिया रैप में भी कर सकते हैं। खुशबू बता रही है कि चिकन चुका है बन, और शक्ल भी यही बता रही है कि चिकन चुका है बन। मैं इसको थोड़ी देर के लिए, एज आई सेड, आई एम गोइंग टू लेट इट स्टे इन इट्स ओन स्टीम। प्लेटिंग करने से पहले जी अब गुफ्तगू करते हैं उस फिल्म की जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वो स्पेशल इसलिए है जो मेरे अब्बू ने बनाई है। फिल्म का नाम है डायरेक्ट हवालदार। अगर किसी को नहीं पता, जस्ट इन केस, और हो सकता है किसी को ना पता हो, मेरे वालिद साहब का नाम है इरफान खुसट, जो कि एक लेजेंडरी एक्टर हैं, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अब्बा ने रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, थिएटर के अलावा, और इन सारे मीडियम्स के अंदर भी एक्टिंग के अलावा, आई मीन टू से, डायरेक्शन भी की हुई है। सो मेरे अब्बा ने दो फिल्में डायरेक्ट की थी, उनमें से एक फिल्म थी ये 1985 में बनी थी, इसका नाम था डायरेक्ट हवालदार, और इसके बाद आई थिंक दो साल के बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी, उसका नाम था चंद माई। थोड़ी सी सैड अनफॉर्चुनेट स्टोरी है कि वो फिर सिलसिला आगे नहीं चल सका। सो दिस फिल्म इज़ स्पेशल फॉर मी फॉर मैनी रीजन्स। एक, रिसेंटली कवि अंकल की वफ़ात हुई। आई होप कवि अंकल आप जहाँ भी हैं, मे यू रेस्ट इन पीस, व्हाट अ लेजेंड अगेन। जमील फ़खरी साहब, कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ। सो फ़खरी अंकल आपके लिए भी बहुत सी दुआ, और जहाँ भी हैं आप हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी पतलून जब गिरती थी हम सबको बहुत हंसी आती थी, जब आप उसको खींचते थे वी वुड ऑल फाइंड इट वेरी वेरी एंडियरिंग। और अब्बा का जो रोल था, दया जमात पास, डायरेक्ट हवालदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। सो ये जो ट्रियो था मेरे लिए, मुझे बचपन में बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अंकल्स हैं। और वो जो लेजेंडरी ड्रामा था अंधेरा उजाला, अब्बा ने एक स्मार्ट हरकत ये की कि अब्बा ने सोचा कि इसकी फ़िल्म बनाई जाए, और उस फिल्म का नाम उन्होंने रखा डायरेक्ट हवालदार। और अगर आप जब फिल्म के हवाले से सोचते हैं तो हमारे यहाँ बहुत फार्मूला ड्रिवन फिल्में बनती थी, जिनमें प्लॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, उनके बीच में मोहब्बत और उसकी कुछ परेशानियाँ, मुश्किलात होंगी। दिस फिल्म हैड अ पैरेलल ट्रैक ऑफ दैट, बट द मेन ट्रैक वॉज क्राइम ड्रामा। वही पुलिस स्टेशन, वहाँ पे डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो ऑफकोर्स देयर वाज अब्बा, जमील फ़खरी साहब थे, कवि खान साहब थे, फिरदौस जमाल साहब थे, अफशां कुरैशी थी, इस्मत तायरा थी, देयर वाज एन एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत कम काम किया, सोनिया उनका नाम था, एक और एक्टर हैं वो भी कभी कभी नज़र आते हैं, बाबर उनका नाम है, देवर से द यंगर रोमांटिक पेयर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चूंकि अब डिफरेंट केसेस हैं पुलिस स्टेशन में जो आते हैं, तो उस हवाले से बहुत से लोगों की गेस्ट अपेयरेंसेस थी, इंक्लूडिंग सुल्तान राय साहब, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली साहब, एंड अदर देन दैट आई फील कि एक फॉर्मूले से हट के फिल्म बनाना वॉज अ वेरी ब्रेव एंड अ डेयरिंग थिंग टू डू। वन अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द फिल्म इज द म्यूज़िक। इसका म्यूज़िक बनाया था जी वजाहत अत्रे साहब ने, और इसमें कोई 8 या 9 गाने थे, और एक गाना आपने सुना होगा रिसेंटली ऑन कोक स्टूडियो, मस्त मलंग चकीताई। ये अब्बा बताते हैं कि वो कहीं किसी शूटिंग से ट्रैवल करते हुए वापस आ रहे थे, और जो कोच थी, बस जो थी, उसमें इसका एक पश्तो वर्जन, इट्स लाइक अ पश्तो फोक टाइप, जो अब्बा ने सुना, और फिर उन्होंने इस गाने को वजाहत अत्रे साहब से विद डिफरेंट लिरिक्स, विद द सेम कैच लाइन बनवाया, और मैडम नूरजहां ने ये गाना गाया। मस्त मलंग चकिताई, जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईदर डायरेक्ट हवालदार या चंद माही की ही कोई ओपनिंग एक बहुत मशहूर चीज होती थी जी, फिल्म का, जिसको हिंदुस्तान में मुहूर्त कहते हैं ना, जब तो वो जो ओपनिंग थी उस पर मैं मौजूद था, छोटा सा था मैं, और मेरी वो तस्वीर इस पौधे के पीछे छुपी हुई है, मैं अभी इसका शॉट लेके आपको दिखाता हूँ। तो मैडम नूर जहाँ की गोद में मैं बैठा हुआ हूँ। आई रिमेंबर आई वॉज़ वेरी वेरी यंग, और हम सिनेमा में जब गए पूरी फैमिली ये फिल्म देखने, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बिकॉज देयर इज़ अ सीन इन द एंड जहाँ पे जो अब्बा का कैरेक्टर है उसके साथ कुछ बहुत बुरा सा होता है, एंड आई वुड जस्ट नॉट स्टॉप क्राइंग, बिकॉज़ लाइक वेयर इज़ माय फादर, आई नीड माय फादर हियर विद मी, एंड अब्बा नहीं तो उस वक्त है। वो जो एक गाना होता है ना, जो क्लाइमेक्स से पहले जो विलेन के डेन में होता है, वो भी इसमें आपको नज़र आएगा। उस गाने के अंदर डांस भी हो रहा है, विलेंस जो हैं उनके बहुत एग्जैजरेटेड किस्म के मेकओवर भी हुआ हुआ है, विग्स पहनी हुई हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, और वो जो एक बड़ा गाना जिसके बीच में कुछ लोग बंधे हुए हैं, पुलिस भागती हुई आ रही है, सो आई फील इट हैज़ दैट नाइविटी ऑफ दैट दैट योनरा of that era. मैं उससे खूबसूरत इंतकाम लेना चाहता हूँ,
वो रो सके ना सो सके. मजा आएगा. आई थिंक इट्स अ फन वॉच. इट्स अ फन वॉच. And I will go back to now preparing my burrito bowl. अब हम जाते हैं अपने final stage की तरफ, जहाँ पे हम करेंगे अपने burrito bowl की assembly. एक चीज सिर्फ रह गई है जो अब मैं करना चाहूँगा, which is basically chopping the or cutting the iceberg lettuce. Okay, जी, this is my iceberg. One other thing that I need to do is, where is it? ये जो मैंने ग्रीन सॉस बनाई थी, जिसको मैं कह रहा था कि रायते टाइप लग रही है, इसको अब आप एक किसी बॉटल में डिकैंट करेंगे, जिससे उसको स्क्वीज करना आसान. इट्स अ सिंपल बॉटल जिसके अंदर केचप वगैरह आप रखते हैं, और यू कैन यूज एनी अदर मैकेनिज्म इफ यू फील लाइक. आई होप ये गिरे नहीं, क्योंकि आई नीडेड फनल जो नहीं है मेरे पास. बस लेट्स होप कि ये ना गिरे. गिरे दिस इज द सावर क्रीम दैट आई टॉक्ड अबाउट. माय प्याज एंड शिमला मिर्च इज हियर. माय चिकन इज हियर. थ्री अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन. उबले हुए काले चने, सिंपली उबले हुए काले चने, जो कि आपके घर में मौजूद होने चाहिए. रमजान में इनका बहुत इस्तेमाल होता है, चाट में भी इस्तेमाल होता है. देर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो एंड वेरी होलसम. और ये सिंपली उबाल लिए हैं, इनका एक तरीका होता है, वो मैं अपने सूस शेफ से मजीद आपको पूछ के बताऊंगा. कोई एक मिथ है कि इसको धूप में भी रखते हैं तो वे जल्दी वो गल जाते हैं. दिस इज कॉर्न भुट्टा, और भुट्टे में भी वो जी आप बाजार से जो रेडी पिछली मिलती है वो भी ले सकते हैं, और आप उसको काट लें. मैंने कैन वाली इस्तेमाल की है. कैन वाली आमतौर पे बहुत स्वीटेंड होती है, यानी उसमें ज़्यादा पहले से चीनी या सिरप ऐड होता है, तो अगर वो स्वीटेंड हो तो फिर आप उसको ज़रा धो के एक दफ़ा पानी उसका निकाल लें. और एक और चीज़ है जी, जिसको हम कहेंगे मैक्सिकन राइस, लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं. जैसा हमारा मटरों का या चनों का या किसी भी और सब्जी का, आलू का जो पुलाव होता है ना, ये बस वैसी ही चीज़ होती है. ऑलमोस्ट वैसा ही जायका है. इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि अगेन आपने अगर फाइबर उसका थोड़ा कॉन्टेंट ज़्यादा रखना है, और टेक्स्चर उसका मुँह में ज़रा चबाने वाला है. आई हैव यूज्ड ब्राउन राइस, नॉट द वाइट बासमती राइस, बट ब्राउन राइस. और इसको पका लिया है थोड़े से मटर के साथ, थोड़े से टमाटर और मटर के मसाले के अंदर. इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी, आई एम गोइंग टू शेयर इट इन अ लेटर एपिसोड विद यू. लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग जी. आप डिफरेंट क्वांटिटीज के, डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट बोल्स बना सकते हैं. इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स को आई एम रिपीटिंग, आप टोर्टिया रैप के अंदर रैप भी कर सकते हैं, सो दैट इट इज एन ऑथेंटिक बरीटो. बट आई एम डूइंग अ बरीटो बोल. शुरू करते हैं जी असेंबली. Is a very wholesome meal. I don't think aapko iftar ke waqt kisi aur item ki zarurat hogi except a khajoor and a thandi thar coke. Aap sab se mulaqat hogi sirf ek din ke waqfe ke baad with another episode of Kusit in the Kitchen. Ek nayi dish banayenge aur mazeed gapshap lagayenge ek aur film ke bare mein. Apna bahut sa khayal rakhiyega, and do not forget to subscribe to our official YouTube channel, and also comment, like and share.